सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज डिस्कस करेंगे एसबीआई जूनियर एसोसिएट या क्लर्क का सेकंड डे का क्या टू डू लिस्ट होगा आपका। आज मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखना जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाए और उसको अच्छे से अप्लाई भी करना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टू डू लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड क्यों कर रही हूं। मैं आपको एक सिंपल टू डू लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकती थी जो आप पूरे महीने आराम से कर सकते थे फॉलो, लेकिन मैं आपको डेली टू डू लिस्ट क्यों दे रही हूं, क्योंकि आप में से 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है क्या करना है। इसको ऐसे समझो, आपको नहीं पता है कि आपको कौन सी गोली लेनी है। आप बीमार हो और आपको नहीं पता है आपको कौन सी गोली लेनी है, आप ठीक होना चाहते हो। तो मैं आपको सिर्फ एक गोली दे रही हूँ जो आपको लेनी है ठीक होने के लिए। थोड़े टाइम जब तक आप ये गोली लेते रहोगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी गोली लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आने लग जाएगा। लेकिन जब तक नहीं समझ में आ रहा है तब तक के लिए जो गाइडेंस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद ये मत करना कि ये स्ट्रैटेजी भी देख लेता हूँ, वो स्ट्रैटेजी देख लेता हूँ, उसकी टू डू लिस्ट देख लेता हूँ, फिर जाके पढ़ाई करूंगा। इससे आप पूरा टाइम वेस्ट करोगे अपना, पूरा दिन आपका यूट्यूब पे ही वेस्ट हो जाने वाला है। इसलिए चुपचाप से एक डायरी लो या कुछ भी ले लो, नोटबुक ले लो, जिसपे रोज आप अभी लिखो टू डू लिस्ट अपना, जो मैं आपको बता रही हूँ वो सब लिखो, नोट करो और जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना है, जैसे आपको लगता है कि यार ये वाला टॉपिक ना मेरा स्ट्रांग है तो मैम ने इसमें 20 बताए, मैं इसमें 10 क्वेश्चंस ही सॉल्व करूंगा क्योंकि मेरा तो पहले से ही स्ट्रांग है, ये वाला वीक है तो मैं इसमें 30 क्वेश्चंस करूंगा, ये सब लिखो। लिखोगे ना तो फिर आपको पता रहेगा कि आज पूरे दिन में मैं क्या करने वाला हूँ। दूसरी चीज, मैं आपको डेली ये वीडियो 7 बजे प्रोवाइड करूंगी मॉर्निंग में। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला और मुझे ये टाइम सबसे सही लगा, क्योंकि इसमें आपको क्या होगा कि उस दिन का पूरा प्लान मिल जाएगा। एक दिन पहले दूंगी तो हो सकता है आप भूल जाओ कि मुझे क्या फॉलो करना था, तो उसी दिन आप क्या, एक दिन पहले दे दूंगी तो आपको लिखने में भी थोड़ा आलस आएगा क्योंकि पूरे दिन की थकान रहती है। सुबह सुबह बैठ के लिखो और फिर अपना दिन स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव मैंने आपके लिए लिया है। देखो, अगर मैं अपनी कम्युनिटी से बहुत सारा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ, जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप सब भी जॉब लें जल्दी से अपनी फैमिलीज के लिए, अपने लिए, कुछ किसी के लिए नहीं करना है तो आप एटलीस्ट अपने लिए कुछ करो और अपने घर वालों का नाम रोशन करो और जल्दी से एक ऐसी पोजिशन पे पहुंचो जिसपे आपको फील हो कि हाँ ये है एक्चुअल जिंदगी, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का बताती हूँ। इंग्लिश में आपको आज 3 एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। आज का जो टू डू लिस्ट होगा ये थोड़ा सा सीरियस लेवल पे होगा, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन आपको करना है क्योंकि लाखों बच्चे फॉर्म भरे हैं एसबीआई का। आप में ऐसा क्या अलग है जो एसबीआई आपको एम्प्लॉयमेंट दे, तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टफ दिया है मैंने, इसको फॉलो करो, ठीक है। 3 एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं 30 से 40 मिनट के ड्यूरेशन में, 3 एडिटोरियल्स, ठीक है, जिसमें से 2 एडिटोरियल शॉर्ट वाले होंगे जो एक कॉलम में आते हैं ना वो वाले होंगे, और एक एडिटोरियल बड़ा सा होगा। अब आपको एडिटोरियल कौन से न्यूज़पेपर का पढ़ना है वो भी मैं बता देती हूँ। टेलीग्राम पे चैनल है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वहां पे जाके द हिंदू अगर नहीं समझ में आता है तो इंडियन एक्सप्रेस ट्राई करो, द हिंदू समझ में आता है, द हिंदू बेस्ट है, द हिंदू बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाता है तो उससे ऊपर वाला फाइनेंशियल एक्सप्रेस या बिजनेस लाइन आप ले सकते हो। तो ये 3 लेवल्स बता दिए, एकदम बेसिक लेवल पे हो तो इंडियन एक्सप्रेस, थोड़ा सा इंटरमीडिएट आ गया है तो द हिंदू, उससे ऊपर जाना चाहते हो तो आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस या बिजनेस लाइन, ये सारे न्यूज़पेपर्स चूज कर सकते हो। अब आ जाते हैं क्वांट पे। इंग्लिश में और कुछ भी मत करो, सिर्फ रीडिंग करो, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जो मैं भूल रही हूँ, आपको न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है स्क्रीन पे। टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बताया ना, तो आपको स्क्रीन पे पढ़ने की आदत डालनी है। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो आपको वहां पे स्क्रीन पे पढ़ना रहेगा,
तो आपको वहां पे कोई पेपर नहीं मिलने वाला है जिसपे आप बैठ के पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे, ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली है। तो न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ना है आपको, ऑनलाइन पढ़ना है। रीडिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको कोई और चीज ऐड नहीं कराई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में वो अंडरस्टैंडिंग है, कि आप कितना अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हो जो भी पढ़ रहे हो आप। स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर शब्दों में नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं आता था, बट पढ़ती रही मैं, जो भी वर्ड्स नहीं समझ आते थे जाके गूगल सर्च करती थी और इंग्लिश में ही उनका मीनिंग देखती थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में उसका मीनिंग मत देखो, इंग्लिश में देखो, और इंग्लिश में देखने के बाद समझो कि ये क्या वर्ड है, और पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एटलीस्ट 7 दिन तक कंसिस्टेंटली पढ़ो। उसके बाद भी अगर लगे कि थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंज करो, ठीक है। लेकिन इन 7 दिन तक आपको अपने मन में एक भी डाउट नहीं लाना है कि मैं ये करूं या ना करूं। अगर ये मन में डाउट आ जा रहा है ना तो मत देखो ये वीडियो, मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल देती हूँ, मत देखो ये वीडियो अगर डाउट आ रहा है तो। डाउट आपको हटा के आप फॉलो कर सकते हो तो ही करना, वरना फिर आप कभी भी किसी को फॉलो नहीं कर पाओगे, और अगर आपको कोई बताने वाला ही नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है, फिर करो खुद से ही कर लो। खुद से करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको शॉर्टकट नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको एक रास्ता बता रही हूँ कि इस रास्ते से जाओगे ना तो थोड़ा जल्दी पहुंचोगे, ठीक है। अब कॉन्स पे आ जाते हैं। कॉन्स का एक सीधा साधा मैंने आपको तरीका बता रही हूँ, जो आशीष अरोड़ा सर है, स्टडी फाइड करके एक चैनल है उनका टेलीग्राम पे, उस पे जाओ, वहां पे आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी डेली बेसिस पे, उसमें 20 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक हैं, 20 मिसिंग नंबर सीरीज, 20 रॉन्ग नंबर सीरीज, और आपके 20 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, और 20 आपको अर्थमेटिक के मिल जाएंगे, और डीआई के सेट्स मिल जाएंगे 3। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 2 घंटे में, 2 घंटे ही आपके पास हैं, 2 घंटे में करो, जल्दी जल्दी करो। यहाँ पे आपको स्पीड में रखना है, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं। कैसे करोगे, जब स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, 2 से 3 घंटे, ठीक है, 3 रख लेते हैं, थोड़ा सा आप पुश करो अपने आप को, ज्यादा से ज्यादा आप 2 घंटे में फिनिश करने की कोशिश करो। रीजनिंग पे आ जाते हैं, 1 घंटा पजल करना ही करना है। कल मैंने बोला था आपको 6 से 12 पजल्स करने हैं, बट आज मैं बोलूंगी 12 मिनिमम आपको करने ही करने हैं। मैंने इस चीज पे सोचा, अगर आप पजल, प्रीलिम्स लेवल की पजल मैं आपको बोल रही हूँ, अगर वो आप 5 मिनट में एक पजल नहीं कर रहे हो तो फिर क्या मतलब है 10 मिनट में अगर आप एक पजल कर पा रहे हो। नहीं, आपको 5 मिनट में एक पजल करनी करनी है। यहाँ 5 मिनट भी ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको 5 मिनट क्यों दिए, क्योंकि आप एक तो बिगिनर्स लेवल पे, और एक आपके, आपको ऐसे नहीं करना है कि आज आपने फ्लोर पजल है तो फ्लोर पजल 12 कर दी, ये भी एक बेवकूफी है। आपको अलग अलग मल्टीपल पजल्स लेनी है, जैसे फ्लोर हो गया, बॉक्स हो गया, मंथ बेस्ड हो गया, सर्कुलर हो गया, ये अलग अलग टाइप की पजल्स लो और उसे सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे वहां पे आपको सिर्फ फ्लोर फ्लोर वाली नहीं मिलने वाली है, तो अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको 4 टॉपिक्स करने हैं मिसलिनियस में, रोज हम इसको रोटेट करते रहेंगे। आज क्या करना है, इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से लॉक्स के, 5 कोडिंग डिकोडिंग, और 5-2 क्वेश्चन एलआर के, लॉजिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, बस सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं बन रहे तो भी सॉल्व करने हैं आपको, थोड़ा सा टफ होता है, बट मेंस को भी हमें साथ में इंटीग्रेट करके चलना है ना, प्रीलिम्स तो हो जाएगा, मेंस कौन करेगा, तो मेंस को मैं थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेट कराऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये इस तरीके से है कि प्रीलिम्स की जो दवाई दे रही हूं मैं आपको, वो थोड़ी ठीक ठीक है टेस्ट में, मेंस की थोड़ी ज्यादा कड़वी है, तो वो मैं थोड़ी सी आपको पिला रही हूं और आपको समझ में भी नहीं आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन एलआर के करो, लॉजिकल रीजनिंग के, क्रिटिकल रीजनिंग जिसे बोलते हैं, करके देखो, ज्यादा कुछ नहीं, बस करके देख लो, साइड में कर देना, 2 क्वेश्चन पढ़ के और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के लिए सिंपल आपको आशीष सर का वीडियो देखना है, आशीष सर का चलते फिरते देख लो वीडियो, कुछ ऐसे अलग से बैठ के नहीं देखना है आपको, थोड़ा सा वॉकिंग ले रहे हो, खाना खाया है, वॉकिंग कर रहे हो, चलते फिरते देख लिया, चलते फिरते आपको ये काम करना है, और चलते फिरते ही आपको 5 वीडियोस अनिल अग्रवाल सर के देख लेने। क्यों? क्योंकि ये मेंस में काम आएगा यार, प्रीलिम्स निकालोगे उसके बाद मेंस में बहुत कम टाइम बचेगा, तो उस 1 महीने में आप सारा जनरल अवेयरनेस तो नहीं कवर कर सकते ना, तो ये पहले से हम करके रखेंगे 5 वीडियोस, 3-3 मिनट, 2-2 मिनट का एक वीडियो रहता है,
बस आपको चलते फिरते ये भी देख लेना है। इसके बाद मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मॉक टेस्ट भी करना है, उसका एनालिसिस भी करना है। अब मैं आपको इसमें बहुत अच्छा तोड़ बताने वाली हूँ, जिसने यहां तक वीडियो देखा है उसको एक्चुअल में फायदा होने वाला है। यहां पे आपको 9 बजे, 11:30 बजे, 2 बजे और 4:30 बजे, ये आपके 4 स्लॉट्स होने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के। इन 4 स्लॉट्स में से एक एक दिन आपको ये करना है। तो कल आप मतलब आज आप दो 9 बजे, 9 बजे या 11:30 बजे के ये 2 स्लॉट्स में से किसी एक स्लॉट में दो। धीरे धीरे करके आप अपनी हैबिट बनाओ। इसी टाइम फ्रेम में जब आप दोगे ना, तो होता क्या है, मैंने आपको अपने एक सब्सक्राइबर की बात बताती हूँ। उसका शाम को स्लॉट था, शाम को उसको नींद आ रही थी। क्यों? क्योंकि शाम में उसने कभी मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस ही नहीं की, सुबह सुबह देते थे। तो इसलिए आपको 4 स्लॉट्स में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ना आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे देती हूँ, टेक्स्ट बुक का आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। उसका मैंने डिस्काउंट कोड आपको शो कर दिया है स्क्रीन पे, वो वाला आप परचेज कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट वहां पे देख लेना आपकी क्या स्थिति है अभी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एनालाइज करना उसको अच्छे से बैठ के। बाकी सारी चीजें मैं आपको बताती रहती हूँ अपने वीडियोस में। आई होप आप उन सब चीजों को फॉलो कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर टाइप का क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। परचेज कर सकते हो, अच्छे खासे डिस्काउंट्स अभी चल रहे हैं, तो परचेज करो और इसी तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी तैयारी में, ओके। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना डेली बेसिस पे, इसमें बहुत पेशेंस लगेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि आज मैं कर लेता हूँ, कल मुझे सब बनने लग गए, ये वो बात हो जाती है कि आज मैं क्रीम लगा लेता हूँ कल मैं गोरा हो जाऊंगा। तो ये चीज देखो, सिर्फ मोबाइल के फिल्टर लगाने से होने वाली है, एकदम से आप आज मेहनत करोगे कल अंबानी बन जाओगे वो नहीं होने वाला है। डेली बेसिस पे थोड़ा 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 करके इम्प्रूवमेंट आएगा और फिर बड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखेगा बहुत टाइम बाद, ठीक है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अपना टाइम टेबल बना लिया होगा, आई होप आपने वीडियो देखते देखते बना लिया होगा। शाम में मैं इसी फोटो को अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे आ जाना और चेक कर लेना कि आपने क्या क्या सही किया है, कितना कितना आपने कंप्लीट किया है, कितना टारगेट अचीव किया है। और सिंपल सी बात है यार, ऐसे तो होने से रहा, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, थोड़ा को अपना पुश करना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना कि खून पसीना एक करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार। आपको, चलो मैं बैंक हूँ, ठीक है, मैं बैंक हूँ, मैं आपको क्यों लूं, मैं आपको क्यों अपनी बैंक में काम कराऊं? कुछ तो अलग बात होनी चाहिए ना आप में, वो हार्डवर्क, वो पेशियंस, वो जो आपकी ये पढ़ाई करते वक्त, आपकी तैयारी करते वक्त जो आपकी क्वालिटीज आ रही है ना, जो बनेंगी, इन क्वालिटीज को डेवलप होने में टाइम लगेगा, वो क्वालिटीज ही आपका एम्प्लॉयर आपसे चाहता है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं चाहता है आपसे। कभी भी एसबीआई में आप जाओगे तो आपसे पजल सॉल्व नहीं कराएंगे, आपसे पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने देंगे। आपकी वो जो क्वालिटीज इस दौरान बिल्डअप होंगी, उसका टेस्ट होगा वहां पे रियल लाइफ में। तो वही आपको यहाँ पे डेवलप करनी है। तो पेशेंस रखो, हार्डवर्क करते रहो। बाकी कोई दिक्कत आए तो मैं बैठी हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कोई दिक्कत आए तो। बाकी मैं डेली बेसिस पे ये वीडियोस डालती रहूंगी। और कुछ आपको चाहिए हो मेरी तरफ से तो जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और स्टे हेल्दी। बाय बाय।